अगर आप 40,000 के बजट पर हैं तो मेरे पास एक बढ़िया लैपटॉप है आपके लिए। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो इस प्राइस रेंज के लैपटॉप में होने चाहिए, जैसे कि i3 13 जनरेशन प्रोसेसर, 8GB DDR4 3200 MHz रैम, 512GB NVMe SSD, कूल सिल्वर कलर, मिनिमल प्रोफेशनल लुक, 45 वाट आवर बैटरी जो कि 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकती है। और ये जो लैपटॉप है पूरी तरह सुटेबल है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए या फिर ऑफिस प्रोफेशनल के लिए। कुछ इस टाइप का लैपटॉप का बॉक्स है, ऊपर वीवोबुक की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग है, यहाँ दिए गए हैं बॉक्स पर कुछ स्टिकर्स, मॉडल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ मैं आपको अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखा रहा हूँ, पैकिंग दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो सब करते ही हैं, एक जैसी चीज हो जाती है हर बार। बॉक्स के अंदर एक ही एक QR मिलता है, इसे स्कैन करने के बाद आप अपने ऑफिस को फ्री ऑफिस जो इसके साथ मिलता है लाइफ टाइम का उसे क्लेम कर सकते हैं। पलट के नहीं दिखाऊंगा वरना कोई स्कैन मार लेगा इसे। एक इस तरह की स्लीव मिलती है, इसके अंदर लैपटॉप रख के आता है। ये है स्क्रीन एंड कीबोर्ड के बीच की प्रोटेक्शन। यहाँ पर एक ये पुस्तिका मिलती है, कोई काम की नहीं है। एक और ये पेपर मिल जाता है, एक और ये पत्ते ऐसा मिल जाता है 99% ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिटेड। आगे बताएंगे क्या चक्कर है, कौन से बैक्टीरिया मारता है लैपटॉप। देख लो बॉक्स आप कुछ इस तरह का है। इस वाली कैविटी में चार्जर रख के आता है। यहाँ 65 वाट का अडाप्टर दिया गया है, कुछ इस तरह की पिन दे रखी है। मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। i3 13 जनरेशन प्रोसेसर 1315U 6-core 8-thread का प्रोसेसर है, जिसमें 2P कोर्स हैं, 4E कोर्स हैं। 8GB ऑनबोर्ड रैम इसके अंदर दी गई है, मैक्सिमम 24GB तक अपग्रेड की जा सकती है। इसके अंदर एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 16GB की स्टिक डाल सकते हैं। 8GB ऑनबोर्ड है एंड DDR4 3200 MHz रैम है। 512GB की SSD दी गई है, 477GB जिसमें यूजेबल है। Wi-Fi 6E दिया गया है, ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है जो कि डुअल बैंड वाला है। 42 वाट आवर की बैटरी दी गई है, 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वीडियो का, ये हमारे बरेली के व्यूअर्स के लिए है, तो बरेली से अगर कोई हमें देख रहा है तो प्लीज इस पार्ट को ध्यान से देखना। तो अगर बरेली में आप इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो तो आप एक शॉप पे विजिट कर सकते हो, इसका नाम है DG Enterprises और ये Asus का अब एक्सक्लूसिव स्टोर भी है। यहाँ पर आपको Asus ब्रांड के हर तरह के लैपटॉप मिल जाएंगे, फिर चाहे आपको नॉर्मल लैपटॉप लेना हो, चाहे आपको गेमिंग लैपटॉप लेना हो, चाहे आपको एक क्रिएटर लैपटॉप लेना हो, चाहे आपको बिजनेस सीरीज का कोई लैपटॉप लेना हो, तो हर तरह के लैपटॉप भैया के पास अवेलेबल रहते हैं। इसी के साथ साथ इनके स्टोर पर आपको दूसरे ब्रांड्स के लैपटॉप भी मिल जाते हैं। पूरे बटनर प्लाजा के अंदर भैया के स्टोर पे जो लैपटॉप के प्राइसेज होते हैं वो सबसे होते हैं और ये आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर आप बरेली में रहते हो और बरेली में रहकर कोई लैपटॉप परचेस करना चाहते हो तो आप जरूर ट्राई करना DG Enterprises को, इनके यहाँ पे विजिट करना। अगर आप यहाँ से लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको डेफिनेटली मेरी और भैया की पूरी सपोर्ट मिलेगी। DG Enterprises का जो कॉन्टेक्ट नंबर है और जो एड्रेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ध्यान से देख लेना। प्लेन सिंपल लुक में है लैपटॉप, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। लिड इसकी मेटल में बनाई हुई है, ठंडी लगती है, जब भी विंटर्स का टाइम होगा ठंडी लगेगी, एसी रूम में होगा ठंडी लगेगी। लैपटॉप स्टाइलिश भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोफेशनल भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर Asus VivoBook की ब्रांडिंग दी गई है, बहुत शानदार लगती है, एकदम स्लीक एंड प्रोफेशनल लुक है लैपटॉप का। ये जो है लैपटॉप की बॉटम साइड है, यहाँ पे कुछ रबर ग्रिप्स दी गई हैं लैपटॉप को स्किड करने से बचाने के लिए। यहाँ पे इनटेक एयर वेंट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो ये ओपनिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा खुली हुई हैं, इससे लैपटॉप को काफ़ी एयर मिलती है और लैपटॉप कूल चलेगा। नीचे की साइड दो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स के लिए ग्रिल दी गई है और हिंज डिज़ाइन लैपटॉप का कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। एयर एग्जॉस्ट के लिए वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं डेक और हिंज के बीच में, तो यहाँ से एयर एग्जॉस्ट होगी, यहाँ से सक भी करेगा, यहाँ से भी सक करेगा और यहाँ से भी सक करेगा। देखिए आप इसका वेट वेइंग स्केल पर 1613 ग्राम है, तो लाइटर साइड ही है लैपटॉप। अब हम लैपटॉप के इनसाइड पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेजल्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिन है, इसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इमर्सिव लगती है। यहाँ पे एक सेंटर में वेबकैम दिया गया है और इसमें फिजिकल प्राइवेसी शटर दिया गया है वेबकैम में, इसे आप खोल या बंद कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एंड यहाँ पे दो एरे वाला माइक सेटअप दिया गया है एंड छोटे छोटे रबर पैड्स दिए गए हैं जो इस लिड पर जाकर के टिक जाते हैं एंड यहाँ पे किसी भी तरह का स्क्रैच आपको नहीं देखने को मिलेगा। नीचे वाले बेजल पर Asus VivoBook की ब्रांडिंग दी गई है, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल प्रीमियम लगती है। लैपटॉप जो है काफी मिनिमल प्रोफेशनल लुक के अंदर है। डेक पर फीचर्स हाईलाइट करते हुए कुछ स्टिकर दिए गए हैं, जैसे कि i3 प्रोसेसर, MS Office का होना। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी दी गई है Asus एंटी माइक्रोबियल गार्ड की। ये क्या करेगा, इसकी जो बॉडी है वो जिस तरह से डिजाइन की गई है कि ये 99% बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा, लैपटॉप पर नहीं रहने देगा और ये आपको 3 से ज्यादा सालों की प्रोटेक्शन देगा जो कि ISO टेस्टेड है। इसकी जो डिस्प्ले भी है वो iCare सर्टिफाइड है, TUV Rheinland से। सोनिक मास्टर का ऑडियो सिस्टम दिया गया है। डेक पर इनके अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सुपर स्लिम चेसिस विद मेटल लिड,
ले फ्लैट हिंज, मतलब 180 डिग्री तक इसका हिंज चला जाएगा, मतलब लैपटॉप की जो लिड है वो चली जाएगी, इससे कि कोई बच्चा एक्सीडेंटली अगर लिड को पूरा खोल देता है तो लैपटॉप टूटेगा नहीं। आसुस का अर्गोसेंस कीबोर्ड दिया गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। बढ़िया कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के साथ आता है लैपटॉप, तो काफी टफ है। फिजिकल वेबकैम शटर है बताया हमने आपको, एड AI नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर आपको मिलता है माइक के अंदर। अब जरा विस्तार से बात कीबोर्ड की कर ली जाए, देखिए यहाँ पर ऊपर हॉटकीज दी गई है, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड दी गई है फंक्शन कीज के अंदर, तो फंक्शन प्लस एस्केप दबा के आप इसे जब चाहें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं हॉटकीज को, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल करना, ब्राइटनेस कंट्रोल करना, म्यूट करना। कीबोर्ड जो है नंपैड के साथ आता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर बटन इंटीग्रेट करके दिया गया है इसी के अंदर। इसके कीबोर्ड में व्हाइट बैकलाइट दी गई है, दिखने में काफी एलिगेंट लगती है, अंधेरे में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीबोर्ड का जो टाइपिंग फीडबैक है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके कीज के अंदर जो फीडबैक मुझे टाइपिंग करते वक्त मिल रहा था, मतलब पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है Asus VivoBook सीरीज के अंदर, मजा आ रहा था टाइपिंग करने में। एक बार आपका हाथ इस पे सेट हो जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टचपैड जो है काफी बड़े साइज का दिया गया है, जनरली इस प्राइस रेंज के लैपटॉप के अंदर इतना बड़ा टचपैड नहीं मिलता है, ये भी एक प्रीमियमनेस को बढ़ाता है, और काफी अच्छे से स्मूथली ये काम करता है, सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। अच्छा लगा मुझे इसका टचपैड भी, लेफ्ट एंड राइट की जो है बढ़िया तरह से काम कर रही थी, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। लिड पर कोई फ्लेक्स नहीं है, डेक पर नॉर्मल सा है, सब में होता है। अर्गो लिफ्ट हिंजेस नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन लैपटॉप पर डिजाइन जो है एलिवेटेड वाला है, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। वॉबलिंग भी ना के बराबर है, इतना सब में होता है। पोर्ट्स का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड आपको सिंगल पोर्ट मिल जाती है USB 2.0 वाली, टाइप ए पोर्ट है, तो ये मुझे सीन थोड़ा सही नहीं लगा, 3.0 देना चाहिए था कम से कम। अब जो है 2024 के अंदर 3.0 मिनिमम स्टैंडर्ड है। बाकी यहाँ पर दो LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक लैपटॉप का स्टेटस दिखाने के लिए एंड एक चार्जिंग के लिए। राइट वाली एज की बात करें तो एक कॉम्बो ऑडियो जैक इसके अंदर दिया गया है, एक टाइप सी पोर्ट दी गई है, टाइप सी पोर्ट जो है USB 3.2 Gen 1 वाली है, दो यहाँ पर USB टाइप ए पोर्ट भी दिए गए हैं जो कि USB 3.2 Gen 1 वाले हैं, एक HDMI पोर्ट भी दिया गया है जिसका वर्जन है 1.4 एंड एक पावर इंजेक भी दिया गया है। PD चार्जिंग ये जो है सपोर्ट करेगा 65 वॉट मैक्स तक। मैंने 45 वॉट OnePlus का चार्जर ट्राई करा जो कि मैक्सिमम 45 वॉट PD आउटपुट निकाल सकता है, चार्ज तो हो रहा था लेकिन थोड़ा स्लोली चार्ज हो रहा था, अगर 65 वॉट से चार्ज करोगे तो बढ़िया तरह से चार्ज होगा। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें, 15.6 इंच की फुल HD 16:9 रेशियो वाली इसके अंदर 45% NTSC डिस्प्ले दी गई है, 250 निट्स इसकी ब्राइटनेस है एंड 60 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। लेफ्ट और राइट एंगल से 135 डिग्री तक गुड विजिबिलिटी इसके अंदर रहेगी, टॉप या लो एंगल से अगर आप देखोगे तो थोड़ी ब्लैकिश दिखेगी डिस्प्ले। इस प्राइस रेंज में मोस्टली ऐसे ही डिस्प्ले मिलते हैं, डिस्प्ले कलरफुल काफी है, कंटेंट बढ़िया दिखता है इस पे, एंड ऑब्वियसली ये डिस्प्ले कैजुअल वर्क के लिए है क्योंकि 45% NTSC ही है, तो उसी हिसाब से आप इसे जज करें। परफॉर्मेंस एंड गेम टेस्टिंग आप देखिए, बहुत जरूरी पार्ट है। Cinebench R23 सिंगल कोर स्कोर मिलता है 1387 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर मिलता है 6884 पॉइंट्स। Geekbench 6 सिंगल कोर स्कोर निकल कर आया 2158 पॉइंट्स, मल्टी कोर स्कोर निकला 5305 पॉइंट्स, एंड GPU स्कोर जो कि OpenCL वाला स्कोर है 8668 पॉइंट्स निकला। 3DMark टाइम स्पाय स्कोर की बात करें, ओवरऑल स्कोर निकल कर आया 919 पॉइंट्स, GPU स्कोर निकला 8011 पॉइंट्स, CPU स्कोर निकला 3834 पॉइंट्स। PC Mark 10 के ओवरऑल स्कोर की बात करें, 4953 पॉइंट्स निकला, एसेंशियल स्कोर निकला 9671 पॉइंट्स, प्रोडक्टिविटी स्कोर निकला 6881 पॉइंट्स, एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला स्कोर निकला 4958 पॉइंट्स। SSD की रीड स्पीड निकली 4286 मेगाबाइट पर सेकंड, राइट स्पीड निकली 1780 मेगाबाइट पर सेकंड। SSD की स्पीड अच्छी है, बढ़िया है, लैपटॉप बहुत फास्ट चलेगा। और ये इतने सारे जो नंबर मैंने बता दिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि क्या ये नंबर बता दिए आपने, तो ये जो नंबर मैं बताता हूँ ये दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने के लिए बताता हूँ, जो मैं दूसरे रिव्यू करता हूँ तो उनसे आप जो है इन नंबरों को कंपेयर करेंगे आप, तो इनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये लैपटॉप स्टैंड करेगा। जो लोग नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो मेरी एनालिसिस सुनिए कि कौन से काम के लिए लैपटॉप कैसा रहेगा। लैपटॉप के अंदर क्योंकि i3 प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली डे टू डे टास्क के लिए बना है, कोई बहुत हैवी यूज के लिए नहीं बना है। चाहे आप स्टूडेंट हो या ऑफिस प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए लैपटॉप परफेक्ट है। इस पर आप 1920x1080p यानी कि फुल HD वीडियो एडिटिंग आराम से निकाल सकते हैं, वो भी कई लेयर की। हालांकि टाइमलाइन प्रीव्यू थोड़ा सा डिले रहेगा, अगर फिल्मोरा के अंदर आप बैकग्राउंड रेंडर प्रीव्यू ऑन कर देंगे तो टाइमलाइन काफी स्मूथ रहेगी, प्रीव्यू स्मूथ चलेगा, बैकग्राउंड रेंडरिंग प्रीव्यू भी काफी फास्ट हो जाता है, तो लैपटॉप जो
है 40,000 के हिसाब से सही है। फोटो वगैरह आपको जो एडिट करने हैं वो सब आप इस पे एडिट कर पाओगे। ऑब्वियसली प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी कैजुअल वर्क है वो सब निकाल देगा। यूट्यूब पर मैंने इसे चेक किया, ये मैक्सिमम 8K वीडियो तक प्ले कर पा रहा था, ऑप्शन अवेलेबल था, तो स्मूथ था पूरा प्लेबैक, सीमलेस प्लेबैक मुझे मिला, कोई स्टटरिंग नहीं मिली। इससे पता चलता है इसका IGPU कितना पावरफुल है। इसकी गेमिंग शक्तियों का भी मैंने पता लगाया कि कौन सा गेम कैसा चला सकता है, ये देखिए आप। तो स्क्रीन पे आप देखना जितने भी गेम मैंने टेस्ट करे हैं 90/25/1080 फुल HD रिजोल्यूशन पे ही टेस्ट करे हैं। सबसे पहला गेम मैंने टेस्ट करा वेलोरेंट लो ग्राफिक सेटिंग पर, क्योंकि उसी पर ये चला पाएगा सही तरीके से। तो 40-50 FPS मुझे मिले जो कि प्लेएबल थे, एंजॉयबल थे, कर सकते हो आप। हालांकि इसमें बहुत कॉम्पिटिटिव एज तो आपको नहीं मिलेगी, बट खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। GT5 की बात करें तो मिनिमम लो ग्राफिक्स पे मैंने इसे चलाया, 20-30 FPS मिल रहे थे, तो बहुत एंजॉयबल नहीं रहा। हालांकि चल तो जा रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था गेम को खेलने में, तो आप अवॉइड करना GT5। आप इसमें ई स्पोर्ट्स तो खेल सकते हो हल्का फुल्का, हालांकि लैपटॉप गेमिंग के लिए बना नहीं है। जितने भी ऑफिस वाले आपको काम करने हैं, स्टूडेंट वाले टास्क करने हैं, वो सब हो जाएंगे बढ़िया तरह से। स्पीकर्स की क्वालिटी समझ लेते हैं कैसी है। 2 bottom firing स्पीकर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो कि इनफ है एक रूम के लिए। आप कोई भी कंटेंट इस पे देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ऑडियो ठीक ठाक है, स्पीकर्स की दबीसी नहीं लगेगी आपको। तो इस टाइम आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसी लैपटॉप के इंटरनल वेबकैम सेटअप से देख रहे हैं, इसमें जो ऑडियो सुन रहे हैं इसी के इंटरनल एरे माइक सेटअप से सुन रहे हैं। बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह के बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहें। बैटरी बैकअप जो मैंने इसका टेस्ट किया, YouTube वीडियो प्लेबैक पे टेस्ट किया, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या सेटिंग्स मैंने रखी थी, लेकिन मुझे 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल गया जो कि काबिले तारीफ है। विंडोज़ प्रोफाइल्स के अंदर मैंने फ़ैन को रखा था बैलेंस्ड, विंडोज़ को रखा था बेस्ट पावर एफिशिएंसी पर, एंड 50% ब्राइटनेस यूज़ करी थी एंड 70% वॉल्यूम रखी थी। जिस प्राइस कैटेगरी का लैपटॉप है उस हिसाब से बैकअप बढ़िया है। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर बताता हूँ क्या क्या स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, वो आप जान लीजिए। देखिए, बैटरी केयर मोड इसके अंदर मिल जाएगा जिसकी वजह से बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। फ़ैन प्रोफाइल्स की बात करें तो परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड, विस्पर, 3 fan profiles मिलते हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप में मिलते हैं ना वैसे इसमें दिए गए हैं। AI नॉइस कैंसलेशन का भी इसके अंदर फीचर मिल जाता है जो कि दोनों स्पीकर से एंड माइक के लिए दोनों के लिए काम करेगा। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर दिए गए हैं, मैंने इस सॉफ्टवेयर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। इस लैपटॉप के बारे में मैंने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया है, लेकिन अभी भी आपके अगर मन में कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप जो है इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस प्राइस रेंज में काफी बंदों को मैंने ये लैपटॉप अभी तक सजेस्ट किए हैं और लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहें आराम से परचेज कर सकते हैं। इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके डिफरेंट वेरिएंट जो हैं उनके भी मैंने बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। एक बार और बता देता हूं, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी ऑफिस प्रोफेशनल है, आपके लिए परफेक्ट मशीन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा लगा है वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे। एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको क्या नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और अगर आपको चैनल में कुछ कमी लग रही है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे वीडियो की एंगेजमेंट भी थोड़ी बढ़ जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपके बारे में जान के। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।